एक बार फिर आप मुझे देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं, तो मेरा चेहरा देख के अब आप समझ जाएं खुद ही कि फिर एक नई वीडियो मेरे साथ है और मेरे पास टॉपिक है नया। हाँ, आज की वीडियो के अंदर जो है हमने इस तरह से बात करनी है कि काफ़ी लोग जो है ना एक बंदे को गलत कही जा रहे हैं, और जब जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च की है तो मुझे नहीं लगता कि यार ये चीज़ गलत है जिसको लोग बार बार गलत कही जा रहे हैं। अब लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि ट्विटर का जो है ना मालिक जिसका नाम है एलन मस्क, लोग उसको बहुत गलत कह रहे हैं। और लोग उसको गलत क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लें। लोग उसको गलत इस वजह से कह रहे हैं कि जी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ट्विटर के ऊपर कि भाई आप एक दिन के अंदर 600 से ज़्यादा पोस्ट्स नहीं देख सकते, और जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन अपनी पेड ली हुई है वो जो है अपना 6000 पोस्ट्स देख सकते हैं एक दिन के अंदर। अब लोग इस वजह से जो एलन मस्क को बहुत ज़्यादा बुरा कह रहे हैं कि यार आपने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमारे ऊपर, हालांकि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी ऐप जो है आपने ख़रीदा हुआ है इस चीज़ को, आप उसके मालिक हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी ऐप के ऊपर इतने लोग आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मुझे पता लोग ये कह रहे हैं और लोग कहते भी होंगे, इस वजह से उसको बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैंने जब तक अपनी रिसर्च की है ना तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एलन मस्क ने बिल्कुल ठीक किया है। और वो क्यों ठीक किया है वो सुन लें ज़रा। यार आपको उसने उनसे ठीक किया आपके लिए इस वजह से कि कहीं लोग जो है फिर वो ज़्यादा स्वाइप करते रहते हैं, टाइम उनका ज़ाया होता है, खाते पीते स्वाइप करना, खाने बनाना स्वाइप करना, वाशरूम जाना एक नंबर दो नंबर करते करते स्वाइप करना, उन्होंने रास्ते में कहीं जा रहे हो ना तो स्वाइप करते रहना, नेट मतलब चलाते रहना, तो उन्होंने आपके लिए इस वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाई है ताकि आप सोशल मीडिया एडिक्ट ना बने और आप जो है वो कम से कम इस चीज़ का यूज़ करें और आपके अंदर एक लिमिट भरी हो कि यार हाँ मेरे पास, मैंने इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना, मेरे पास ये लिमिट लगी हुई है, अब मैं ध्यान से देखूं, मतलब अगर मैं इसी टाइम पे बैठ के स्वाइप कर करके देख लेता हूँ वो, तो इसके अंदर ये है कि भाई मैं मुझे अपने ऊपर ही होगा कि यार कहीं अगर इस बैठे बैठे मैंने पोस्ट देख ली और कोई ख़बर रात को आ गई तो फिर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जानी, मेरा तो टाइम ख़त्म हो जाना, 400 पोस्ट मैं भी देख लूँगा। इस वजह से उसने कहा कि आपका टाइम बचे, आपके जहन के अंदर एक फ़िक्र सी हो कि नहीं यार इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मैंने एक लिमिट तक यूज़ करना है फिर उसके बाद ख़त्म। और सबसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका ये है कि यार वो तो पहली मंथली बिल्स दे रहे हैं ट्विटर को, तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा 6000 ट्वीट्स उन्होंने की हुई हैं। 600 ट्वीट्स आप देख सकते हैं जिसने पेड नहीं लिया हुआ ट्विटर, जिसने सब्सक्रिप्शन पेड नहीं ली, और 6000 ट्वीट्स वो देख सकते हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों ने जो है ना इसको बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। यार उसने आपके लिए ये बेहतर किया है, आपके लिए ठीक किया है ताकि आप सोशल मीडिया एडिक्ट ना बने, आप बार बार ख़बरें देखते रहेंगे तो इस तरह आपको टेंशन रहेगी। अगर आपने अपनी ट्वीट की है कोई ट्विटर के ऊपर तो आप उसको बार बार देखते रहेंगे कि यार पता नहीं कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स रीट्वीट्स आए हैं, क्या हुआ क्या हुआ, देखे तो सही। इस तरह आप अपने ही ट्विटर अकाउंट को खोलने से पहले सोचेंगे कि यार मैंने एक घंटा पहले स्पेंड तो नहीं किया इस पे, आधा घंटा पहले अगर लगाया हुआ है तो अब मेरे पास कम ट्वीट्स हैं, मैंने देख देख के चलना है, सिर्फ उसी चीज़ को खोलना है जो जिसको मैं देखना चाहता हूँ। एवं हर ऐरे गहरे चीज़ को आप नहीं देखेंगे जाके, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं इसको ठीक मानता हूँ कि उसने ठीक किया, बिल्कुल अच्छा किया। अब देखो उसको तो फ़ायदा उसको है कि मुझे फ़ायदा ही है कि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अगर ऐप चलाएंगे तो मुझे फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन उसने सिर्फ हम लोगों की खातिर इसको कहा है कि यार नहीं लोग ना ख़राब हो कहीं। अब हमें तो नहीं ना पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ तक आसार नज़र आ रहे हैं अभी तक वहाँ तक देख के तो यही लग रहा है कि यार उसने इंसानियत की खातिर लोगों को सोच के भला किया कि यार ज़्यादा स्क्रीन देखेंगे तो आंखों पर भी इफ़ेक्ट होगा, दिमाग पर भी असर होगा, और ये टेंशन में भी रहेंगे और इनका टाइम भी ज़ाया होगा। ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के ब्रेक में खोल लिया, स्वाइप करने लग गए, स्वाइप करने लग गए, इस ये चीज़ से आपका टाइम बचेगा, आप काम ही करेंगे। फिर अगर खाना बना रहे हैं तो आप खाना ही बनाएंगे, वाशरूम में बैठ के बिजी हैं थोड़ा सा तो आप वाशरूम वाला काम ही करेंगे बैठ के, आप नहीं इसको बार बार खोल के उंगली देंगे, बार ऊपर उंगली नीचे करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने एलन मस्क साहब ने, मेरा वोट उनके लिए है कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया और ठीक किया, आप लोगों की खातिर ही किया। अब आप लोगों को पता नहीं समझ है इस चीज़ की कि नहीं, या आप लोग अभी भी उसको बुरा ही कहते हैं, तो ठीक है भैया आप लोग कहते रहें, आप लोगों की खातिर किया। अगर आप लोग सोशल मीडिया एडिक्ट बनना चाहते हैं या हैं तो फिर अब आपको रोका तो जा नहीं सकता, करनी तो आपने अपनी मर्ज़ी है, हम सिर्फ बता ही सकते हैं आपको। तो बताना मेरा काम था कि भाई उन्होंने आपके लिए ठीक किया, अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मानना चाहें या आप इसको ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं वो हमारी सरदर्द नहीं है। जैसे हमने आपको बताना था और हमने आपको बता के अपना काम पूरा किया।